इसी क्षेत्र को पटरियों पर लाने के लिए पुरजोर तैयारी हो रही है। अभी जहां हम खड़े ये प्रतापगंज स्टेशन है और ये स्टेशन का मेन बिल्डिंग है जिसका देखिए निर्माण चल रहा है। निर्माण कार्य वो भी फाइनल स्टेज में है आप कह लीजिए तो। इधर में देख रहे हैं कि टाइल्स लग रहा है और इधर पटरियों को बिछा लिया गया। पहले 52 किलो का पटरियां बिछता है, उसके बाद जो है उसको रिप्लेस करके 60 किलो का पटरी बिछाया जाता है। तो अब जो है नया ये पटरी है, इस पर देखिए सेल 60 लिखा हुआ है। ये पटरी 60 किलो का पटरी यहाँ लग गया है। आप यहीं का काम देखते हैं, कितना काम हुआ, कब से ट्रेन चलेगा? फरवरी लास्ट में सीआरएस हो सकता है, उसके बाद फिर मार्च में लोकल ट्रेन चलने का संभावना है। स्टेशन में काम कितना हुआ, कितना बाकी है? स्टेशन में 80% से ज्यादा हो चुका है काम। बचा है क्या ट्रेन चलाने के लिए, क्या क्या बच गया? ब्लास्ट गिराना है, उसके बाद पैकिंग जो ऊंचा खाला रेल रहता है उसको लेवल करना है। देखिए ट्रेन चलाने के लिए जो मेन सबसे ज्यादा जरूरी काम होता है ना, इन पटरियों पर जो सामने पटरी देख रहे हैं इस पर जो है उसको लेवल करना, उसके नीचे ब्लास्ट डालना ताकि जब ट्रेन इस पर से आए तो वो बैलेंस रहे। और पहले जो है इस पर 52 किलो का पहले पटरी बिछा के आप लोग ट्रायल करते हैं। ये रेल लाता है, हाँ। उसके बाद 60 kg का। अच्छा, ट्रैक पर कहीं चल के 60 किलोग्राम वाला जो है वो आता है, रेल को यानी पटरी को लाया जाता है। पहले 52 किलो वाला बिछाए, उस पर से ट्रेन आई, उससे जो है ना 60 किलोग्राम वाला पटरी आया और फिर उस पटरी को रिप्लेस किए और फिर उस पर जो है ना उसी पटरी के जो रिप्लेस जो हो जाता है नया पटरी, उस पर फिर मालगाड़ी आती है जो ब्लास्ट लेके आती है। यही सिस्टम है। स्टेशन बिल्डिंग का कितना काम हुआ, कितना बाकी है? नहीं पता, क्या देखें आप लोग इसमें कितना काम हुआ है? स्टेशन का लगभग काम हो ही चुका है, ये टाइल्स लग जाए उसके बाद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जो हम देख पा रहे हैं उसमें देखिए टाइल्स तो लग ही रहा, पीछे देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक लग गया, ऊपर ये शेड लगना बाकी और फाइनल प्लास्टर और रंगाई का काम होना है। इतना ही काम दिख रहा है यहाँ पर जो मेन काम है, और बाकी पानी वगैरह सब क्लियर हो गया है। अब बाथरूम पानी वगैरह सब बन गया है। तो जब बता रहे हैं कि इतना काम हो गया तो मतलब अब जो सीआरएस हो जाए और सीआरएस होने के बाद ज्यादा तेजी है क्योंकि यहाँ दौड़ाने के लिए, अच्छा रेल दौड़ाने के लिए पुरजोर तैयारी हो रही है। बता रहे क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र जी बता रहे हैं कि ट्रेन दौड़ाने के लिए पुरजोर तैयारी हो रही है, काम बड़ी तेजी से हो रहा है। 20 मार्च ये बताए हैं, अब तक जब मैं कैमरा रोल कर रहा था उससे पहले बताया 20 मार्च बता रहे हैं ना आप लोग, 20 मार्च का डेट है इस पर ट्रेन चलाने का, पैसेंजर ट्रेन इस पर से चलने लगेगी, यानी प्रतापगंज के लोगों की जिंदगी भी पटरी पर आ जाएगा 20 मार्च तक में, यहाँ से ट्रेन चलने लगेगी, यही तैयारी हो रही है। और आपको बताएं कि इधर से हम देखते हुए हैं पर यहाँ के बाद है कितना काम हुआ, प्रतापगंज के बाद कितना काम हुआ, प्रतापगंज से ललितग्राम के बीच में, अभी यहाँ 52 नंबर ब्रिज है वहाँ तक के ये 60 kg का रेल बिछा दिया गया। ये जो सामने वाला ब्रिज है, बड़ा वाला ब्रिज, वहाँ तक बिछ गया 60 kg, और वहाँ के बाद उसके बाद वहाँ 52 kg का है, 52 kg का अभी काम चल रहा है। हाँ अभी देखा हमने, 60 वाला जाएगा रेल आने के या 2-3 दिन में रेल आ सकता है। देखिए उधर भी अभी जो देख रहे हैं आप तस्वीरों में, उधर भी प्रतापगंज से लेकर के ललितग्राम के बीच में ये काम हो रहा है, जहाँ पर जो है 52 kg का ट्रैक को भी बिछाया जा रहा है। इस पर से फिर ट्रेन आएगी, ट्रेन जो है ना 60 kg का ट्रैक आएगा और फिर उसको रिप्लेस करेगा, तब उसके बाद ब्लास्ट आएगी। यानी अभी प्रतापगंज तक का काम क्लियर है और इसके बाद का जो दूसरा चरण है उसमें ललितग्राम तक का काम होगा। और जैसा कि कहा गया है कि इस मतलब मई महीना से पहले ललितग्राम से ट्रेन चलने लगेगी, सीधा देश के किसी भी कोने तक जाने के लिए चला सकते हैं गाड़ी को। इसके बाद आखिरी स्टेज का जो काम बचा वो ललितग्राम से लेकर के फारबिसगंज तक का काम है। जिस रफ्तार में काम हो रहा है कि 2021 इस क्षेत्र में ट्रेन चलाने के लिए बहुत बड़ा बड़ा साल है, जिसमें पूरा एरिया जहां पर ट्रेन रुकी हुई थी इतने दिनों से वहां पर फिर से ट्रेन दौड़ने लगी। तो चलिए हम आगे की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये यात्रियों की सुविधा के लिए इधर में देखिए वेटिंग रूम बना है ये, और इस तरफ में ये टिकट काउंटर बन रहा है, उसका भी फाइनल टच दिया जा रहा है। देखिए ट्रायल सामने देख रहे हैं रखा हुआ होगा, और ये स्टेशन में घुसने का प्रवेश द्वार है जहाँ पर अभी टाइल्स लगाए जा रहे हैं। इस तरफ में रैंप है जो लोग दिव्यांग हैं उनको आने के लिए। इधर में देखिए टाइल्स लग रहा है सीढ़ियों पर, और साथ साथ इधर देखिए प्लास्ट पुट्टी भी हो रहा है रंगाई करने के लिए। तो लगभग फाइनल स्टेज का काम यहां होता हुआ दिखाई दे रहा है, और बता ही दिया कि जैसा जानकारी हमें मिला है कि 20 मार्च से यहां ट्रेन दौड़ेगी तो उसकी तैयारी हो रही है। हमारे साथ एक चाचा है, कहां घर हुआ चाचा आपका? हमारा यही प्रतापगंज भवानीपुर टुवनिया। अच्छा, कब से बंद हुआ? 14 में ही बंद हो गया था, 8 में चला था, 8 में बाढ़ के बाद चला, उसके बाद कुछ दिन के बाद जाके बंद हो गया।
अब जब ये चलेगा तो कितना लाभ होगा यहाँ के लोगों को बताइए। बहुत अच्छा लाभ होगा कि सब तो इंतजार ही कर रहा कि कब चले कब चले, सब इंतजार ही में है तो कब चले कब। उम्मीदों का पटरी बिछ गया है। हाँ वो तो है। ट्रेन जिस दिन चलेगा कितना बड़ा दिन। हाँ बहुत अच्छा दिन होगा उस दिन, बहुत अच्छा दिन होगा उस दिन। देखिए चाचा का मुस्कान देख के पता चल गया आपको। हाँ। कि जब भैया जिस दिन चलेगा उस दिन होली दिवाली हो जाएगा। एकदम एकदम होली दिवाली होगा एकदम। देखिए उम्मीदों का ट्रैक है जो बिछा है ये। हाँ। इस पर से जिस दिन से गाड़ी दौड़ने लगेगी कहिए तो इस क्षेत्र के लोगों का जिंदगी भी पटरी पे लौट आएगा। 2014 में ट्रेन बंद हुआ था और तब से इस क्षेत्र के लोग आस जोगे बैठे हैं कि कब से ट्रेन चलेगी और 2021 में वो सपना पूरा होने जा रहा है। प्रतापगंज स्टेशन पे हम हैं और यहाँ से ट्रेन चलाने की तैयारी हो रही है। जैसा कि जानकारी हमें मिला है कि 20 मार्च से यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन को चलाना है। इसके लिए निर्माण का जो आखिरी स्टेज का काम वो किया जा रहा है। इधर में पटरियाँ बिछ गया और जो स्टेशन बिल्डिंग देख रहे हैं इस पर भी अब फाइनल टच दिया जा रहा है। ऊपर इसमें अब जो है ये जो ऊपर शेड लगा है इसके ऊपर छज्जा लगना है। इसके बाद टाइल्स लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर नल सारे लग गए हैं, टॉयलेट बन गया है और पटरियाँ को जो ये 52 किलो का पटरी था उसको भी बदल करके 60 किलो का पटरी कर दिया गया है। तो चलिए एक बार हम व्यू लेकर के ऊपर से दिखाते हैं कि कितना काम हुआ कितना बाकी है। चाचा कितना काम हुआ आपको क्या लग रहा है? काम तो अभी बहुत बाकी है लेकिन फिर भी काम चलाने के लायक है, रेल चलने के लायक है, रेल चलने के लायक हो गया है। आप पैसेंजर देखिए ट्रेन चलाने का जो प्राथमिकता है ना उसमें पैसेंजर का बेसिक सुविधा उपलब्ध हो जाए, उसके बाद ट्रेन चलने लगती है, उसके बाद धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। यही चीज है, सीआरएस की तैयारी हो रही है कि इसी महीना में फरवरी में ही सीआरएस निरीक्षण हो जाएगा, यानी तो मार्च में हो करके 20 मार्च से यहाँ से ट्रेन चलाने की तैयारी है इसी वित्तीय वर्ष में, ताकि 1 अप्रैल से जो नया वित्तीय वर्ष होगा उसमें नहीं, इसी वित्तीय वर्ष में यहाँ से ट्रेन चलने लगेगी। और इसके बाद इससे आगे जो ललित राम स्टेशन है वहाँ तक का क्या हाल है इससे आगे की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए आप बने रहिए। क्या चाचा बनेगा तो लाभ होगा ना लोग? एकदम लाभ होगा, क्यों नहीं लाभ होगा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद सुलेमान अंसारी। सुलेमान चाचा बता रहे हैं कि जब ट्रेन चलेगा जैसा उधर में लोग कह रहे थे कि 50 रुपया भाड़ा लगता है वहाँ से राघोपुर जाने के लिए, अगर ट्रेन चलेगी तो 5 रुपये में पहुँच जाएंगे, तो आम लोगों के लिए बड़ा सहूलियत होगा अगर ये ट्रेन चल पड़ेगी। 5 की जगह 45 लग रहा अभी फौरी से जाने में यहाँ से, तो और क्या, पहले 9 रुपया लगता था अभी 45 रुपया लग रहा है। चाचा बता रहे कि 9 रुपये का भाड़ा में 45 रुपया लगता है। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यहीं तक, प्रतापगंज स्टेशन तक आपने देखा कि कितना काम हुआ है। आगे ललितग्राम से भी दिखाएंगे कि राघोपुर से ललितग्राम तक ट्रेन चलाने की क्या तैयारी है, कितना काम हुआ और कितना काम बाकी।